चतरा एवं झारखंड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करे। आदाब दोस्तों, मैं हूं गजनफर फरीदी और मेरे साथ है सादिक अख्तर। आज हम फिर से हाजिर है एक नए मुद्दे के साथ। आज मैं आप सभी को चतरा के एमपी यानी सांसद के बारे में बताऊंगा। चतरा लोकसभा सीट 1957 में निर्धारित किया गया। 1957 से 2014 तक कुल 10 सांसद चुने गए। आज मैं इस वीडियो में सभी सांसदों के बारे में बताऊंगा। चतरा की पहली सांसद कुमार रानी विजय राजे थी। चतरा लोकसभा सीट से पहली सांसद कुमार रानी विजय राजे चुनी गई थी, जो कि एचआर महाराजा की पुत्री थी। कुमार रानी विजय राजे रामगढ़ राज के रोयल परिवार से बिलोंग करती थी। उस समय रामगढ़ का जिला हजारीबाग और राज्य बिहार पड़ता था। वे 1957 से लेकर 1967 तक चतरा लोकसभा से सांसद निर्धारित रहीं। 1957 में जनता पार्टी ऑफ रामगढ़ राज से चुनी गई। 1962 और 1967 में निर्दलीय चुनी गई। वे 1952 से 1957 तक पहली राज्यसभा की मेंबर भी रहीं, जो कि जनता पार्टी ऑफ रामगढ़ राज से भेजी गई थी। चतरा के दूसरे सांसद डॉक्टर शंकर दयाल सिंह थे। चतरा लोकसभा सीट से दूसरे सांसद डॉक्टर शंकर दयाल सिंह चुने गए, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। वे 1971 से 1977 तक निर्धारित रहे। वे बिहार के औरंगाबाद से थे, जो कि एक महान लेखक भी थे। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह 1990 में बिहार से राज्यसभा के लिए भी चुने गए। वे 1990 से 1992 तक राज्यसभा के वाइस चेयरमैन भी रहे। चतरा के तीसरे सांसद सुखदेव वर्मा थे। चतरा लोकसभा से तीसरे सांसद सुखदेव वर्मा चुने गए, जो कि जनता पार्टी से थे। वे 1977 में चतरा के सांसद चुने गए। वे बिहार के जहानाबाद के थे। चतरा के चौथे सांसद रंजीत सिंह थे। चतरा लोकसभा से चौथे सांसद रंजीत सिंह चुने गए, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। वे 1980 में चतरा के सांसद चुने गए। वे बिहार के गया जिला के रहने वाले थे। चतरा के पांचवे सांसद योगेश्वरी योगेश्वर प्रसाद थे। चतरा लोकसभा से पांचवे सांसद योगेश्वरी योगेश्वर प्रसाद थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। वे 1984 में चतरा के सांसद चुने गए। योगेश्वर योगेश्वरी प्रसाद बिहार के धनबाद से थे, जो कि अब झारखंड में है। चतरा के छठे सांसद उपेंद्र नाथ वर्मा थे। चतरा के छठे सांसद उपेंद्र नाथ वर्मा थे। वे चतरा लोकसभा से दो बार सांसद चुने गए, पहली बार 1989 में और दूसरी बार 1991 में। वे जनता दल से थे। उपेंद्र नाथ वर्मा बिहार के गया जिला के रहने वाले थे। चतरा के सातवें सांसद धीरेंद्र अग्रवाल थे। चतरा लोकसभा से सातवें सांसद धीरेंद्र अग्रवाल थे। धीरेंद्र अग्रवाल चतरा लोकसभा से तीन बार सांसद चुने गए। वे पहली बार 1996 में बीजेपी से चुने गए, दूसरी बार 1998 में भी बीजेपी से चुने गए और तीसरी बार 2004 में आरजेडी से चुने गए। धीरेंद्र अग्रवाल बिहार के गया जिला के रहने वाले थे। ज्यादातर लोग धीरेंद्र अग्रवाल से नाखुश रहते थे, क्योंकि वे अपने क्षेत्र में कभी आते ही नहीं थे। वे झारखंड के अमीर सांसदों में से एक थे। चतरा के आठवें सांसद नागमणि कुशवाहा थे। चतरा लोकसभा से आठवें सांसद नागमणि कुशवाहा चुने गए। वे 1999 में चतरा के सांसद बने। वे आरजेडी से चुनाव जीते थे, अब वे आरएसपी में हैं। वे बिहार के जहानाबाद से हैं। चतरा के नौवें सांसद इंदर सिंह रामधारी थे। चतरा के नौवें सांसद इंदर सिंह नामधारी थे। वे 2009 में चतरा लोकसभा से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। इंदर सिंह नामधारी झारखंड के पलामू जिला के डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर भी थे। वे 2000 से 2006 तक स्पीकर पद पे बने रहे। चतरा के दसवें सांसद सुनील सिंह। चतरा के दसवें सांसद सुनील सिंह बने, जो कि 2014 से अब तक कार्यरत है। वे बीजेपी से चुने गए। सुनील सिंह बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। चतरा के वर्तमान सांसद सुनील सिंह है, जो कि बक्सर बिहार के रहने वाले हैं।
सुनील सिंह ने तो संसद में आवाज उठाते हैं पर उनकी आवाज को शायद नजरअंदाज कर दिया। 2015-16 रेल बजट सत्र में सुनील सिंह ने आवाज उठाई थी, ये देखिए। तो क्या हमारे क्षेत्र में को उग्रवादी कहे जाने का दंश झेलना पड़ता? मैं आपका समर्थन और सहयोग चाहता हूं माननीय सभापति महोदय जी। उसी तरह से उस क्षेत्र की चतरा गया रेल लाइन पिछले 15 साल से प्रस्तावित है। टोरी चतरा रेल लाइन का सर्वे आज तक नहीं हुआ, ना उसका रिपोर्ट आया। मैं रेल मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे ने जो मापदंड स्थापित किए हैं, अगर आपके क्षमता का संवर्धन इससे नहीं होता है, अगर आपके इकोनॉमिक वायबिलिटी में ये रेलवे लाइन नहीं फिट आते हैं, तो निसंदेह आप इसको स्थगित कर दीजिए, आप समाप्त कर दीजिए। लेकिन ये झुनझुना न दिखाएं हमको जो पिछले 85 साल से दिखाया जा रहा है। हर रेल बजट में वहां के लोग ये आशा करते हैं, करोड़ों करोड़ लोग, इसमें सरगुजा छत्तीसगढ़ का और झारखंड का पलामू और चतरा का क्षेत्र शामिल है, उनकी आशा हर रेल बजट में होती है कि शायद इस बार कुछ मिले। मुझे हमें रेलवे लाइन तो बाद में मिले, रेल ट्रेन तो बाद में मिले, पहले रेलवे लाइन तो मिले। सुनील सिंह ने फिर वही बात को 16-17 के बजट तक में उठाया। मैंने पहले भी बार बार आग्रह किया है कि मैं मेरे क्षेत्र का चतरा रेल लाइन, चतरा गया रेल लाइन परियोजना जो 2006-07 से ही बनने की प्रक्रिया में है और आज तक नहीं बना है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त अब वही बात पे जनता से वोट भी मांगे। ये थे चतरा के 10 सांसद, इन सभी ने मिलकर कितना विकास किया और कितना आगे ले गए ये आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख ले। 10 में से एक भी सांसद चतरा के स्थानीय नहीं है, क्या हम इस योग्य भी नहीं है कि अपना चतरा से एक सांसद को चुनकर पार्लियामेंट में भेज सके? क्या हमारे क्षेत्र को सत्ता हटाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया? तो आते हैं मुंह उठा के और जीत के चले जाते हैं। ये हमारा चतरा है, आपका चतरा है, अपना चतरा है, उनकी बाप की जागीर नहीं है, जो आओ मुंह उठा के और जीत के चले। मैं सभी राजनीति पार्टियों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि सोच समझ कर स्थानीय प्रतिनिधि को टिकट दे, वरना हमारे पास नोटा का भी ऑप्शन है। चतरा के जन जन का यही पुकार, अब की बार स्थानीय उम्मीदवार। बड़ी मुश्किल से मिललक आजादी, बहुत लड़ लए दे लए कुर्बानी, अब तो आ है हमार तोर बारी, हवा मिलके उठाव जिम्मेदारी। बड़ी मुश्किल से मिललक आजादी, बहुत लड़ लए दे लए कुर्बानी।